सिमिलरली इस चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन्स आएंगी, इधर भी होंगी, ऐसे। तो क्या होगा कि मान लेते हैं कि ये है, ये इलेक्ट्रिक लाइन्स आ रही है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों नेगेटिव चार्ज है, ओके। तो ये दोनों अगर चार्जेस आ रहे हैं तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगी, दोनों एक दूसरे से स्ट्राइक नहीं करेंगी, एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये दोनों लाइन्स कैसे जाएंगी, ऐसे आ रही है तो ये ऐसे चली जाएंगी, या ऐसे आएंगी और इस तरफ चली जाएंगी, एक दूसरे को रिपेल करेंगी। तो ये ऐसे नहीं है कि ये लाइन जो है ऐसे चली जाएगी और ऐसे चली जाएगी, नेवर। कभी भी दो लाइन्स जो हैं वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी में स्टडी करेंगे क्यों नहीं करेंगी, दो लाइन्स कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है, ओके। तो क्या होगा यहां पे, फिर क्या होगा, ये क्या होगा कि ये जो लाइन है ये इस साइड पे जा रही है, इस साइड पे जा रही है, ये दोनों एक दूसरे पे एक प्रेशर एग्जर्ट करेंगी, ये ऐसे जा रही है तो ये ऐसे हो जाएंगी, दे विल गो अलाइन दिस डायरेक्शन एंड इट विल गो अलाइन दिस डायरेक्शन, इस विल ऑल्सो ये आपस में कॉन्टेक्ट नहीं करेंगे, ये इस साइड चली जाएंगी ऐसे, ओके, ये भी इस साइड चली जाएगी, गोइंग अलोंग दिस डायरेक्शन एंड दिस विल गो अलोंग दिस डायरेक्शन एंड जस्ट लाइक दैट, ओके। तो ये जो दोनों फोर्सेस, ये जब दोनों फोर्सेस पॉजिटिव से आ रही हैं, या कह सकते हो कि दोनों फोर्स, दो इलेक्ट्रिक लाइन्स हैं नेगेटिव से आ रही हैं, तो ये एक दूसरे पे यहां पे क्या एग्जर्ट करेंगी, एक प्रेशर एग्जर्ट करेंगी, ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक लाइन, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, कि इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो एक दूसरे पे एक लैटरल प्रेशर जो है वो एग्जर्ट करेंगी, और लैटरल प्रेशर कब एग्जर्ट करेंगी, जब हमारे पास लाइट चार्जेस होंगे, और अगर लाइट चार्जेस होंगे जी दोनों एक दूसरे पे, ये वाली लाइन इस पे, इसको ये वाली लाइन इस पे प्रेशर एग्जर्ट करेगी और ये वाली लाइन इस पे प्रेशर एग्जर्ट करेगी, और जब दोनों पे प्रेशर एग्जर्ट होगा तो ये दोनों चार्ज जो हैं, जो सिमिलर पोलैरिटी के हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव है, ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ओके। तो दे विल एग्जर्ट द लेटर प्रेशर, चार्ज क्यों होने चाहिए, लाइट चार्ज होने चाहिए, तो चार्ज विल बी रिपेल्ड ईच अदर, रिपेल्ड ईच अदर, ओके। तो यहां पे कंसेप्ट आता है कि एक दूसरे पे एक प्रेशर एग्जर्ट करते हैं जो इलेक्ट्रिक लाइन्स हैं, व्हेन व्हेन द टू चार्जेस आर ऑफ द सेम पोलैरिटी, ओके। उसके बाद सेवंथ प्रॉपर्टी है जो इसकी, सेवंथ प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर दोनों चार्ज ऑपोजिट पोलैरिटी के हों, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, फिर क्या होगा, उसके बाद यह है पॉजिटिव चार्ज और यह है नेगेटिव चार्ज, और हमें पता है कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं वो नेगेटिव की तरफ जाती हैं, ओके। तो क्या होगा, ये ऐसे जाएगी और नेगेटिव चार्ज उसे अट्रैक्ट करेगा, ऐसे बनेगी इसकी इलेक्ट्रिक लाइन और इसकी इनवर्ड, इसमें क्या होगा कि दोनों चार्जेस जो हैं वो क्या होने चाहिए, अनलाइक होने चाहिए, तो इनकी जो अनलाइक चार्जेस है तो क्या होगा, अब यहां से इलेक्ट्रिक लाइन्स जा रही हैं, इसने इलेक्ट्रिक लाइन्स को अट्रैक्ट करना है, इसमें बाहर निकलना है, इसमें उसकी अपनी तरफ खींचना है, तो क्या होगा, तो इसमें से
इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या होगा कि एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे। तो इनकी ये जो लेंथ है, अगर ये अट्रैक्ट करेंगे तो ये जो लेंथ आ रही है ये इनकी कॉन्ट्रैक्ट होगी। कॉन्ट्रैक्ट क्या होगी? लेंथ इनकी। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं दैट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है, इनकी लेंथ वाइज, इनकी लेंथ जो है अगर ऑपोजिट चार्ज होंगे तो इनकी जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनल। अगर इनकी लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, छोटी होगी, तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, जो लास्ट प्रॉपर्टी थी उसमें क्या था कि दोनों चार्जेस जो है एक दूसरे पे प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। तो प्रेशर लीड कैसे करता है? प्रेशर लीड्स दी रिपल्शन। प्रेशर जो लास्ट प्रॉपर्टी में हमने स्टडी किया, लीड्स दी रिपल्शन। तो जो कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन दैट लीड्स दी अट्रैक्शन, ये इसकी थी प्रॉपर्टी और ये इसकी प्रॉपर्टी। ओके, तो इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी थी उसमें हमने कहा था कि दो लाइंस जो हैं वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अब इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते हैं उस कॉन्सेप्ट, वो क्वेश्चन जो है हर बार एग्जाम में 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स का एग्जाम क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि व्हाई टू लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट विद ईच अदर। ये इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, व्हाई टू लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस नॉट इंटरसेक्ट, नॉट इंटरसेक्ट, क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती है? इसकी जो सेकेंड प्रॉपर्टी हमने स्टडी की थी कि टेंजेंट टू एनी पॉइंट, टेंजेंट टू एनी पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अगर मान लेते हैं कि हमारे पास दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये फर्स्ट लाइन है और ये मान लेते हैं सेकंड लाइन है, ये लाइन जा रही है पी टू क्यू और ये लाइन जा रही है वो आर टू एस जा रही है। अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हमने क्या कहते हैं, ये जो पॉइंट है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनका, तो एनी जो लाइन पे जो टेंजेंट, किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, अगर हम यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ये लाइंस का, पी क्यू लाइंस का, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आती है, इस डायरेक्शन को जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर हम आर एस लाइन पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये है। तो एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी दो डायरेक्शन जो है वो कभी भी नहीं हो सकती। क्लियर पॉइंट? दोबारा रिपीट करता हूं, पहले जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट बी इंटरसेक्ट विद ईच अदर। क्लियर? अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि दो लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं, क्यों नहीं करती हैं भाई? इसलिए नहीं करती हैं कि जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस कितनी हो जाएंगी? दो डायरेक्शंस हो जाएंगी। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस टू हो जाएं। ओके, तो इसलिए दो लाइन जो है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में लगभग 1-2 साल बाद रिपीट होता रहता है कि व्हाई द टू लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स कैनॉट बी इंटरसेक्ट, एंड द आंसर इज कि इफ द टू इलेक्ट्रिक लाइंस आर इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट देन एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट एंड दैट कैनॉट बी पॉसिबल। ओके,
तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और एक काफी इंपॉर्टेंट इसमें से एक आध क्वेश्चन जो है डेफिनेटली एग्जाम में आएगा आपको, तो इसे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कीजिए, और फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जाके इसे लिखिए कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है आपको, कौन से पॉइंट पे प्रॉब्लम है, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो वीडियो दोबारा बना के आपको उसको फिर दोबारा आपको एक्सप्लेन करूं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये आपने लाइक करके बताना है, कि अगर आपको अच्छी लगे तो आपको डेफिनेटली लाइक करेंगे, और इसमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी देंगे कि ये वीडियो अच्छी थी, और अगर कोई सजेशन है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो यू हैव टू बी फ्रैंकली, आप किसी भी तरह का आप कमेंट जो है वो उसमें लिखिए, मैं इसे और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।